माँ के कदमों को चूमा करता था। हसमुख मिजाज और सुखद प्रेम माँ के कदमों को चूमा करता था। देख वही मैं हूँ या रोज गलियां उरई की घूमा करता था। मैं अमित मिश्रा, बुंदेलखंड का एक खूबसूरत सा शहर है उरई, जहाँ से मैं हूँ। आप देखिए गज़ल के कुछ शेर देखिए आप, कि वो अपनी जानिब कैसे मोड़ दिया करता है, वो अपनी जानिब कैसे मोड़ दिया करता है, शेर अधूरा पड़ता है फिर छोड़ दिया करता है। वो अपनी जानिब कैसे मोड़ दिया करता है, शेर अधूरा पड़ता है फिर छोड़ दिया करता है। जिसे मैंने गज़लों के हर मिसरे में उतारा है वो किताबें तो पढ़ता है मगर पन्ने मोड़ दिया करता है। वो किताबें तो पढ़ता है मगर पन्ने मोड़ दिया करता है। कुछ अदाएं उसकी सबको पसंद आती है। वो हाथ तो पकड़ता है मगर छोड़ दिया करता है। एक ये देखना कि मैं जिस उम्मीद में था वो तबस्सुम नहीं दिखी। पूरा शहर गुजर गया मगर तुम नहीं दिखी। मैं जिस उम्मीद में था वो तबस्सुम नहीं दिखी। सारा शहर गुजर गया मगर तुम नहीं दिखी। उसका लहजा बता रहा था कोई बात है जरूर मगर मेरी जाने जा मुझे गुमसुम नहीं दिखी। और एक ये देखना है गज़ल का शेर देखिए कि कोई तो उसका एहतराम करे वो पास बैठे तो आँख अपना काम करे। कोई तो उसका एहतराम करे वो पास बैठे तो आँख अपना काम करे। वो मेरा मुस्तकबिल भी नहीं तो फिर क्यों मेरी नींदें हराम करे। वो जो कुछ भी पहन लेता है उस पर सब जचता है। उसके बारे में तखय्युल सुबह से शाम करे। तुझे सोचकर मेरा सर दुखता है। वो कहता क्यों नहीं कि जाए आराम करे। एक सच को छुपाने के लिए कई झूठ बदलने पड़ते हैं। उसकी इस अदा पर कोई कलाम करे। वो जिसका चाहे उसका तख्ता पलट देता है। खुदा उसके हक में इंतजाम करे। एक ये देखिए कि लिफाफे बनाने हो कागज के तो उनमें कुछ मोड़ दी जाती है। कभी कभी घर बचाने के चक्कर में मोहब्बत छोड़ दी जाती है। एक ये देखिए गजल के शेर देखिए कि मुफलिसी को छोड़ नादा इस बात को तराजू में रख। अगर गैर में शिरकत करो तो मर्द को बाजू में रख। छोड़ दोगे तुम ये कहना मर्दों की नजर अच्छी नहीं। सबसे दिल लगी को छोड़ दो तुम, हुस्न को काबू में रख। एक ये देखना कि जरा सी गुस्ताखी पर इतना ना सुनाएं आप। मेहरबानी करें और जाएं आप। अगर गुस्ताखी की कोई अदालत है तो सजा सुनाएं आप। अगर जाना है तो नमस्ते, अब तो मुस्कुराएं आप। एक ये देखना कि इससे ज्यादा और क्या देख सकता हूँ। मैं एक शख्स में पूरी दुनिया देख सकता हूँ।
लकड़ियां गीली हैं और आग जलती नहीं, वो कैसे कह सकता है मैं रोटियां सेक सकता हूँ? लकड़ियां गीली हैं और आग जलती नहीं, वो कैसे कह सकता है मैं रोटियां सेक सकता हूँ? जिसने तजुर्बे में उम्रें गुजारी हूँ, जिसने तजुर्बे में उम्रें गुजारी हूँ, मैं ये कह सकता हूँ वो 10 साल आगे देख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।